परेशान होकर घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपना वर्कआउट कैसे करें, कैसे रनिंग जाएं। 21 दिन का जो लॉकडाउन है शायद और ज़्यादा भी बढ़ सकता है, तो क्या एक्सरसाइज आप लोगों के लिए घर पे करना है जिससे आपका जो स्टेमिना है बरकरार रहे, जो आपकी मसल्स हैं पावरफुल रहे, जब भी आप दोबारा से ग्राउंड जाएं तो देखिए तो आगे आपको क्या करना है। आपको लगा के रखना है मास्क, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आप जब भी छत पे या घूमने जाएं तो आपको लगा कर रखना है मास्क। जब तक आप एक्सरसाइज करते हो बिल्कुल मास्क लगा सकते हो, लेकिन जब आप अपना वर्कआउट करें निकाल सकते हो। जब आपके आसपास कोई ना रहे, 2 मीटर 3 मीटर की डिस्टेंस पर कोई ना हो, तो आप ये बैठ के आपकी बॉडी को कैसे आपको पूरा पावरफुल बनाना, तो मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइज। सबसे पहले आपका जो घर है उस पर छत पे आप जाइए, वहाँ जाके कम से कम 10 मिनट आप पैदल पैदल चलिए। इसके बाद आपको लगाना है नॉर्मल एक्सरसाइज। नॉर्मल एक्सरसाइज में दोनों पैरों को अप करना है, यहाँ से दोनों पैरों को अप करना है, स्लो स्लो पंजों पर जाना है। देन आपको दोनों पैरों को अप करके दोनों हैंड्स को साइड में साइड जाना है, आपको साइड जाना है। जो नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज है ये आपको लगाना है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ऑन स्पॉट रनिंग करना है, और इसको लगाने के लिए ऑन स्पॉट जो रनिंग करेंगे उसमें आपको अपनी वॉच से 15 मिनट का आपको कंटिन्यू वर्कआउट करना है, जिसमें से 15 मिनट में आपको क्या करना है ऑन स्पॉट रनिंग करना है। बॉडी स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार रहेगा, ये आपको पूरा ऑन स्पॉट रनिंग करते रहना कंटिन्यू चलते रहना। और साथ में जब ये वर्कआउट आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी सांस जो है फूलने लगेगी, पसीना आने लगेगा, फिर करना है आपको ट्रेनिंग वर्कआउट। तो ट्रेनिंग वर्कआउट क्या होता है, आपका जो छत है वहीं पर आपको जो ट्रेनिंग वर्कआउट होगा उसमें क्या करना है, आपको कुछ एक्सरसाइज लगानी जो बाद में हम लगाते हैं, तो उसको कैसे करेंगे तो देखते रहिए। इस प्रकार से पैरों को अप डाउन करना है, आपको पंजों पे जंप करना है, दोनों हैंड्स को ओपन करना है, दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ ले जाना है, देन कंटिन्यू आपको रनिंग करना है। पैर को पूरा 90 डिग्री उठाना है यहाँ से, फिर आपको नॉर्मल तरीके से, जब आप थक जाओ तो लग रहा है कि थोड़ा सा सांस फूल रहा है तो कम करना है, फिर से आपको बढ़ा देना है इसी को। इसके बाद में आपको जंप करना है, इसके बाद दोनों हैंड्स कमर पर रख के पैरों को आगे की साइड चलाना है। ये लगाने के बाद आपको फिर से जंप करते रहना है। जब आपका ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसी में कुछ एक्सरसाइज है इनको जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से 20 times ये एक लेग पे लगाने के बाद 20 times आपको लेग को चेंज करना है। ये होने के बाद में जो मैन एक्सरसाइज रहेगी, जो आपकी स्ट्रेचिंग है, जो आपके स्टेप हैं वो बरकरार रहे, उसके लिए क्या करते रहना है, अल्टरनेट राइट हैंड टू लेफ्ट लेग आपको टच करना है। तो ये आपको पूरा कंटिन्यू लगाना है। जब ये सभी आपका वर्कआउट हो जाता है तो बैक के जिसको बोलते हैं, ये भी आपको लगाना है। बॉडी हल्का सा डाउन लेकर ऐसा ऑन स्पॉट बिल्कुल स्लो स्लो फिर से जंप करते रहना है। ये जब आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, इसी में इसके बाद लगाना है नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैं मिक्सअप बता रहा हूँ सभी एक्सरसाइज का, जिनसे आपको करना है आपको घर पर पूरा एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज पे आपको क्या करना है, पुशअप्स लगाना है। पुशअप्स किस प्रकार के लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए तो देखिए इस वीडियो में। आपको यहाँ से डायरेक्ट बैक क्लिक, तो ये आपको लगाना है, जिसमें आपके बैक पैर बैक पे जाएंगे। इसको कंटिन्यू आपको 20 का सेट लगाना है, एक लगाने के बाद फिर से आपको एक 20 का सेट लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके लिए लगाना पेट की एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के माध्यम से आगे पूरा देखिए, जो अप वाली एक्सरसाइज लगती है, फिर आपको लेट डाउन वाली कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे लगाना है। पेट के लिए पैर अप रहेंगे, एड़ियाँ नीचे, पंजे अप, दोनों हाथ पीछे, पैर के पेट को चलाना है और आपको यहाँ पे चेस्ट को चलाना है। चेस्ट और लेग आपके दोनों एक साथ चलेंगे। ये आपको पूरा लगाना है, ये कंप्लीट हो जाता है। दोनों हैंड्स को आप रखिए, साइड टू साइड चलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कंप्लीट होता है। दोनों पैरों को आपको रखना है स्ट्रेट, डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद दोनों हैंड्स को थाइस पे लाकर अप करना है, दोनों पैरों को मिलाना है, यहाँ से पैर अप करना है, और यहाँ पर पूरा देखिए, यहाँ पर पूरा पैरों को अप करना है। इस जगह पे आपको पीछे से ये चेस्ट को उठाना है, साथ में चेस्ट को उठा कर रखना है, ये इस प्रकार होल्ड रखना है।
ये एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके बाद फिर से आपको दोबारा से ये सेट आपको लगाना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको लगाना है डाउन वाली एक्सरसाइज। तो डाउन एक्सरसाइज में आपको लगाना है यहाँ से पूरा आपके जो पैर रहेंगे, सिंगल पैर अप रहेगा, एक पैर पूरा अंदर रहेगा, पूरा नॉट 90 रहेगा, ओनली आपका 75 डिग्री। यहाँ से दोनों हैंड्स पीछे 10 टाइम्स आपको डायरेक्ट टच करना है। जब 10 हो जाता है तो दूसरा पैर चेंज करना है। दोनों कंप्लीट होते तुरंत रेगुलर में दोनों पैर अप करके 10 टाइम्स। ये लेट डाउन की एक्सरसाइज के बाद आपको लगाना है वापस से सेम पोजीशन। इसके बाद आपको जाना है होल्ड, दोनों हैंड्स को सामने बैक हैंड्स होल्ड रखना है, बॉडी पीछे सोटी रहेगी, ज्यादा नहीं उठाना है, डाउन रहना है, डाउन भी नहीं ले जाना है, अप रहना है। यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा एरिया आपके खुला हुआ रहेगा, गर्दन सामने, दोनों हैंड्स ओपन कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। जब आप पूरी एक्सरसाइज लगा लेते हो तो आपको रखना है कूल डाउन, जो लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है रनिंग के बाद, वर्कआउट के बाद। तो आपको डाउन जाना है, दोनों हैंड्स आगे नॉर्मल, दोनों पैर अप रहेंगे, दोनों पैरों को वाइब्रेट करना है, रोटेशन लगाना है, इसी में रोटेशन बैक करना है, वाइब्रेट करके दोनों पैर मिलाना है, एक साथ आपको चलाना है। इसके बाद आपको पैरों को दूर करके एक साथ चलाना है। इसके बाद आपको चलाना है पैर अल्टरनेट। इसके बाद दोनों पैर अप रख के दोनों हैंड्स, दोनों पैर नीचे, दोनों हैंड्स अप रहेंगे, यहाँ से बॉडी को पूरा अप उठाना है, सिर सिर डाउन, सांस अंदर भर के वापस अप, वापस से डाउन, दोनों हैंड्स आगे, यहाँ से दोनों हैंड्स आपके रहेंगे गर्दन पे, पीछे से पैर को उठाना है 10 टाइम्स आपको ये रेपिटेशंस लगाना है। ये आपका हो जाता है 10 टाइम्स, मतलब आपको ये 2 रेपिटेशंस पूरा लगाना है। इसके बाद नॉर्मल रखना है, दोनों हैंड्स नॉर्मल रहेंगे, गर्दन आपका ये नॉर्मल, पैर पीछे से बिल्कुल ढीले, और आपको कम से कम 2 मिनट लेट डाउन रहना है। कैसा लगा आज का आपका वर्कआउट, जो कि मैंने इसमें आपको नॉर्मल एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, आपका कूल डाउन, इसमें मैंने सभी मिक्सअप करके बताया है, जो एक बेसिक है जिसको आप एवरीडे लगा सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आपका घटेगा और बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन कांस्टेंट भी रहेगा और साथ में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ये ट्रेनिंग आपको होम लगाना है, आपको घर पे लगाना है, क्योंकि 21 दिन तक आपको रहना है अपने घर और अपने स्टेमिना को कम नहीं होने देना है। साथ में एवरीडे 21 दिन तक मैं आपको एवरीडे का वर्कआउट लेकर आता रहूँगा। जो फर्स्ट डे का वर्कआउट है वो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप चालू कर सकते हैं, ऐसे ऐसा आपको पूरा करना है। हर एक वीडियो में आपको वो चीज़ लगा दूंगा कि कैसे क्या आपको करना है, साथ में क्या जिम वाली एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट्स के भी, तो वो कैसे होगा वो सब मैं आपको हर रोज़ बताता रहूँगा। साथ में आप करेंगे इसका उपयोग, मास्क का उपयोग, तो इसको आपको मास्क को भी एवरीडे लगाना है, घर में जब भी रहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना है, ये चेतावनी आप सभी लोगों के लिए रहेगी। तो आज का जो वर्कआउट आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, साथ में होम वर्कआउट के लिए मुझे कमेंट करें कि आपको वर्कआउट अच्छा लगा, तो मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूं। बहुत सारे मिक्सअप हैं, मैं आपको बिल्कुल लाता रहूंगा, इसमें आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। जो बच्चा इंटरनेशनल नेशनल खेलता है, जो एथलेटिक्स खेलता है, उन सभी के लिए भी मैं ऐसा वर्कआउट लगाऊंगा जिससे सबको इम्प्रूवमेंट होने वाला होगा। थेराबैंड से लेकर हर एक वर्कआउट आपके लिए बता दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें।